तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कैसे किसी फाइल को हम सर्वर पे अपलोड कर सकते हो। मतलब किसी तरह के फाइल को भी अपलोड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको जो सिर्फ इमेज फाइल को ही अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इमेज फाइल को अपलोड करके दिखाता हूँ कैसे हम इमेज कट कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, जैसे हमारा पुराना से कोई भी एप्लीकेशन बना हुआ है, मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। और इस एप्लीकेशन के अंदर ही एक हम लोग एक पेज ले लेते हैं। इस पेज पे मैं आपको सिर्फ यहाँ सर्वर, ये सर्वर है, सर्वर पे अपलोड करके दिखा रहा हूँ कैसे हम इमेज को यहाँ पे से, इमेज नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, इसी फोल्डर के अंदर मैं किसी इमेज को, मैं अगर मुझे अपलोड करना है सर्वर पे तो मैं कैसे करूँ, तो उसके लिए एक इंटरफेस बना लेते हैं। एक हमने एक वेब फॉर्म ले लिया, उस वेब फॉर्म का नाम हम लोगों ने ले लिया लाइक अपलोड इमेज, अपलोड इमेजेस के नाम से हमने एक वेब फॉर्म ले लिया। उसमें हम लोग उस तरह से उसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं। टेबल में जाके हमने इंसर्ट कर लिया लाइक 3 रोज 3 कॉलम्स, 4 रोज 3 कॉलम्स, ये हमारे पास में ये आ गया। इसमें यहाँ पे जाके इसको हम लोगों ने सेंटर में कर दिया। सेंटर में करने के बाद इसको यहाँ से मैं फाइल अपलोड करूंगा, तो इसको हमने राइट क्लिक किया, यहाँ से जाके हमने क्या किया, मॉडिफाई में जाके इसको मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फाइल अपलोड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसकी जगह पे। यहाँ पे आप लिखते हो सेलेक्ट योर फाइल, ठीक। फाइल को सिलेक्ट करने के लिए आपको एक कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। हम किसके थ्रू करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू तो हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल यूज करेंगे का नाम है फाइल अपलोड, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे आप फाइल को यहाँ पे अपलोड करोगे, नहीं यहाँ से ब्राउज करोगे, ब्राउज करने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करते हो, तो आप चाहते हो कि आपकी फाइल सर्वर पे अपलोड हो जाए, तो यहाँ पे सर्वर पे अपलोड होने के लिए उस फाइल को यहाँ पे सबमिट का एक बटन ले लो, जिसके थ्रू आप इस पे क्लिक करते ही अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे इस बटन का जो आईडी होगा, इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे VTN अपलोड, और इस बटन का जो टेक्स्ट होगा वो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं अपलोड, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी फाइल मेरी अपलोड हो सर्वर पे वो यहाँ पे विजिबल हो जाए, शो भी हो जाए, दिख भी जाए। कोई भी इमेज फाइल को मैं करना चाहता हूँ सपोज, तो इमेज फाइल को यहाँ पे विजिबल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इमेज कंट्रोल ले लेता हूँ मैं, और इमेज कंट्रोल की प्रॉपर्टी में जाके इसका नाम क्या है, Image1 है कंट्रोल का, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका हाइट और विड्थ आप उसको सेट कर दो, कि 300 बाई 300 मैं चाहता हूँ, तो 300 बाई 300, यानी किसी भी रेजोल्यूशन में इमेज हो मेरी, इस रेजोल्यूशन में वो शो करेगा, ठीक है। तो ये मेरा इंटरफेस हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया, यहाँ पे एक फाइल अपलोड लिया, एक बटन लिया, और एक फाइल कंट्रोल लिया, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लोरर में जाके एक यहाँ पे फोल्डर मैंने बना दिया। अगर आपको फोल्डर बनाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा एड न्यू फोल्डर, फोल्डर का जो भी नाम रखोगे उस फोल्डर के अंदर में आपकी फाइल स्टोर होगी, ठीक है, अपलोड होगी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही मैं इस पे तो ब्राउज करूंगा और यहां से अपलोड करूंगा, और अपलोड करते ही मैं इस पे जैसे ही यूजर क्लिक करे तो ये जाए यहाँ पे जाके स्टोर कर दे इस फोल्डर में, राइट। तो इस पे डबल क्लिक करते हैं, इस पे डबल क्लिक किया, इसका मेथड आ गया BTN अपलोड का। अब ये BTN अपलोड में हम क्या कोडिंग करेंगे, सबसे पहले एक वर्चुअल पाथ हम बनाएंगे इसका, जो मैंने फोल्डर बनाया। इसका वर्चुअल पाथ कैसे बनेगा, तो एक मुझे स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक मैंने क्या किया, फाइल का पाथ, फाइल अंडरस्कोर पाथ के नाम से एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर में वर्चुअल एड्रेस हम बना रहे हैं डबल कोट्स के अंदर में। टिल्ड, टिल्ड का मतलब होता है एड्रेस, आगे का जो भी पार्ट होगा, टिल्ड डायरेक्टरी और उस इमेज फोल्डर का नाम क्या है, इमेज, ये एक पाथ हो गया। किसका पाथ हो गया, इस फोल्डर का, इस फोल्डर का पाथ हो गया। मतलब इससे पहले क्या है, इससे पहले www.xyz.com, ये वाला जो टिल्ड हो गया www.xyz.com, और उसके अंदर एक फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम क्या है, इमेज, ये मेरा एक यहाँ का पाथ हो गया। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल जो मैं ब्राउज करूंगा किसके थ्रू, इसके थ्रू जो मैं ब्राउज करूंगा उसका फाइल का नेम, इसका जो मैं ब्राउज करूंगा, तो उसमें फाइल का नेम भी तो आएगा, इसका नाम क्या है, फाइल अपलोड वन, तो फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, उसका फाइल का नेम भी आ जाएगा। तो मैं इसको कॉन्कैटिनेट करूँ, क्योंकि स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ अगर जोड़ना है तो आपको प्लस का साइन यूज करना होता है, और यहाँ पे आप लिखोगे फाइल अपलोड वन, जिसका नाम है डॉट, उसका क्या लेना है, उसका फाइल नेम लेना है। तो मान देखा जाए तो एक पूरा स्ट्रिंग बन गया, यानी कि इस पूरे एड्रेस को अगर मैं देता हूं तो क्या आएगा, टिल्ड स्लैश इमेज स्लैश
और फाइल का नाम सपोज ए डॉट जेपीजी है तो ए डॉट जेपीजी आ जाएगा, ये पूरा एड्रेस हो गया जो कि ये आ गया। अब इसी एड्रेस के बिहाफ पे मुझे क्या करना है, सर्वर पे इस डेटा को सेव करना है, तो फाइल अपलोड वन के थ्रू ही सेव करना है। तो लिखोगे यहाँ पे फाइल अपलोड वन डॉट सेव एज, सेव एज कहाँ पे करना है, सर्वर पे करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेव एज सर्वर डॉट मैप पाथ और उसका पेट पाथ, उसका जो एड्रेस है, एड्रेस किस में आ रहा है, फाइल अंडरस्कोर पाथ। छोटा ब्रैकेट आएगा, बड़ा ब्रैकेट नहीं आएगा, और सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उस पाथ के अंदर में, इस पाथ के अंदर जो ये पाथ बना हुआ है, इस पाथ के अंदर में फाइल को अपलोड कर देगा सर्वर के एड्रेस पे, सर्वर के मैप पाथ पे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रिंग है ना, तो डायरेक्टली मैंने स्ट्रिंग को यहाँ पे दे दिया, डबल कोट्स में यहाँ पे नहीं दोगे आप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फाइल अपलोड के थ्रू क्या कर रहे हो, सर्वर इसमें सेव एज करो, क्योंकि देखो ये जो फाइल जो आप यहाँ से ब्राउज करोगे वो कहीं ना कहीं तो सेव है आपके इस डायरेक्टरी में, कहीं ना कहीं सेव है, सी में, डी में, ई में। अब उसको तुम यहाँ से क्या कर रहे हो, सेव एज करा रहे हो, इसके थ्रू क्या कर रहे हो, सेव एज, यानी कि सर्वर को में जाके सेव एज सर्वर के इस पाथ पे करा रहे हो, और उसका एड्रेस क्या है, इस फोल्डर के अंदर में जो भी तुम्हारा बनेगा, ठीक है। फाइनली जब ये हो जाता है, यहां तक हो गया, होने से क्या हो गया, यहां तक आपकी फाइल जो है सर्वर पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पेज को रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश यानी कि पेज को लोड करना है, यानी कि लोड मेथड को कॉल करना है। तो लोड मेथड को ये वाला पूरा कॉपी कर लो आप, इस लोड को कॉल करने के लिए, क्योंकि जब तक लोड नहीं कॉल करोगे पेज रिफ्रेश नहीं होगा। यहाँ पेस्ट कर दो, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट के नाम आ रहे हैं ना, ये तो हटा दो, ये वाला ऑब्जेक्ट हटा दो और इवेंट हटा दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पेज लोड इवेंट को कॉल कर देगा, और साथ में यहाँ पे सेमी कॉलन यूज कर दो, यानी कि पेज का जैसे यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले उसने पाथ बनाया, उसके बाद सेव एज किया, सेव एज करने के बाद पेज लोड को कॉल कर देगा, यानी कि इस मेथड को कॉल कर देगा। लोड मेथड कॉल होते ही क्या हो जाएगा, पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा मेमोरी में, ठीक है। रिफ्रेश होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेज है ना वो वहां पर शो हो जाए, किसमें शो हो जाए, इसमें शो हो जाए, इसका नाम क्या है, इमेज वन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज वन डॉट इमेज का यूआरएल, यूआरएल मतलब एड्रेस, क्या है, फाइल का पाथ जो ऊपर हमने बनाया है, इसके अंदर पूरा एड्रेस आ रहा है, जो भी हम फाइल को ब्राउज कर रहे हैं इसका एड्रेस आ रहा है, उस एड्रेस को हमने दिखा दिया, दैट्स इट। दिस इज अ कोड टू अपलोड योर फाइल ऑन सर्वर। अब मैं इसको रन कराना चाहता हूँ, इस पर राइट क्लिक किया, सेट एज स्टार्ट पेज किया, इसको मैं यहां से एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो तुम देखोगे कि जो भी फाइल को मैं यहाँ पे, यानी कि मैं यहाँ पे अभी लगा सकता हूँ कि जो मेरा फाइल होगा ना उसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए जेपीजी होना चाहिए या पीएनजी होना चाहिए या जीआईएफ होना चाहिए, तो जो भी तुम चाहोगे तो वो वैलिडेशन भी लगा सकते हो। तो फिलहाल इसको करोगे तो फिर मैं आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ से कोई भी फाइल, मैंने गैलरी में कोई फाइल है, बहुत सारी फाइलें हैं, तो गैलरी की फाइल को मैंने सपोज करो ये वाली फाइल को यहाँ से स्क्रीनशॉट को ले लिया और ले लिया, यहाँ से तो मैंने स्क्रीनशॉट को ले लिया, लेकिन जैसे मैं अपलोड करूंगा तब जाके ये शो करेगा, यहाँ पे तो इमेज शो कर गई। अब ये जो इमेज है यहाँ तो सेव हो गई, साथ में मेरे सर्वर पे भी अपलोड हो चुकी है। देखना चाहोगे यहाँ से स्टॉप कर लो, स्टॉप करने के बाद ऐसे करोगे तो आपको दिखेगी नहीं, आपको क्या करना होगा, इस पे राइट क्लिक करना होगा और जाना होगा ओपन फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर पे। देखो ये आ गई फाइल आपके सर्वर पे, उस फोल्डर में जाके सेव हो गया ना, वेब एप्लीकेशन फाइव के अंदर में इमेज के फोल्डर के अंदर में पहले एक फाइल थी, अभी दो फाइल आ गई, समझे। तो इस तरह से कोई भी फाइल, किसी भी तरह की फाइल को आप सर्वर पे अपलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइल अपलोड कंट्रोल इन ASP.NET। अब इसी के एड्रेस को अगर मैं डेटाबेस में सेव कर दूं तो डेटाबेस में भी सेव हो जाएगी, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जो इसका पूरा एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को मतलब इस किस में आ रहा है, फाइल अपलोड में, तो ये फाइल पाथ में आ रहा है। तो फाइल पाथ को अगर मैं स्ट्रिंग को सेव कर दूं, तो टेक्स्ट बॉक्स को सेव करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, इसको सेव कर देंगे तो मेरी वैल्यू वहां भी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट असाइनमेंट में बताऊंगा, पहले आप इसको यूज करो।